नमस्कार दोस्तों, हमारे व्हीपर सिंगल फेज मोटर हो या फिर टू फेज की मोटर हो, समर्सिबल वाली या फिर ऑयल फील्ड वाली, जो भी अगर आपके पास सिंगल फेज मोटर आती है तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा ये दो वाले कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। एक होता है रनिंग कैपेसिटर और एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। इन दोनों का काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। ये एक मेरे पास है एक रनिंग कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 50 UFD, और ये है मेरे पास एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर की वैल्यू है 200 से लेकर 240 UFD। ये दोनों भी हालांकि दिखने में सेम ही है, लेकिन इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। दोस्तों, ये आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि हम किसी भी व्हीपर सिंगल फेज मोटर हो या चाहे फिर टू फेज मोटर हो, तो उसके अंदर हम इस कैपेसिटर को मैच कैसे कर दें। क्योंकि मुझे सवाल आ गया था कि सर जी, हमें ये बताएं कि जब भी हम कोई सिंगल फेज मोटर का पैनल बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर सभी जो कैपेसिटर होते हैं वो सेम नहीं होती हैं। उसके अंदर 50-50 के दो लगे हुए होते हैं, या फिर 50-36 का एक लगा होता है, या फिर सिर्फ 50 का एक ही लगा होता है। तो इस हिसाब से जो रनिंग कैपेसिटर का जो सिलेक्शन है वो किस चीज़ से किया जाता है, जैसे कि मोटर ज़्यादा गहरे तक चलती है इस हिसाब से किया जाता है, कि मोटर कितने स्पीड है उस हिसाब से किया जाता है। तो आज हम यही एक आसान भाषा में थोड़ी देर के अंदर बताएंगे शॉर्टकट में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो है स्टार्ट कैपेसिटर, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि मोटर को स्टार्ट कर दो और वहाँ से निकल जाओ, तो इसका बाद में कोई काम नहीं है। जिस तरह हमारे बाइक का जो स्टार्टर रहता है, जैसे कि सेल्फ स्टार्ट हमारी बाइक रहती है, हम जैसे स्टार्टर को ऑन करते हैं तो गाड़ी ऑन होने के बाद सेल्फ स्टार्टर छूट जाता है, अब उसका कोई काम नहीं रहता। उसी तरह ये यही काम करता है, मोटर को ज़्यादा पावर दे के मोटर को धक्का लगाने का काम करता है। दूसरी जो बात है ये रनिंग कैपेसिटर, ये जो रनिंग कैपेसिटर है, ये मोटर जब तक आपकी चालू है तब तक ये काम करता रहेगा। इसके बिना आपकी मोटर चलना बोले तो चल सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा संभव नहीं है। तो चलिए अभी हम यही बात करते हैं, इन दोनों का अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको छोटी चीज़ मिल रही हो और उसकी वैल्यू कम मिल रही हो तो वो रनिंग कैपेसिटर है, और आपके पास इस साइज में छोटा है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये समझ लेना स्टार्टिंग का है, या फिर कुछ इस तरह एल्यूमिनियम का बॉडी का आएगा तो डेफिनेटली समझ लेना कि ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। तो ये सिर्फ मोटर को धक्का लगाने के काम आता है। अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसके अंदर आपको किसी भी समर्सिबल मोटर के अंदर कैपेसिटर मैच कैसे किया जाता है। देखिए, ऐसी बात है कि हम एचपी के हिसाब से भी मैच नहीं कर सकते, ये मैं अनुभव के द्वारा बोल रहा हूँ, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई किताबी नहीं है, मैंने किसी भी किताब की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। किताबी का नॉलेज यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मोटर रिवाइंड करना है, मोटर का काम करना है, मोटर को चलाना है, मोटर के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल के उसको चालू कर देना है, हमारी रोजी रोटी हमको चलानी है, हमें इसी मतलब है। किताबी ज्ञान का हमें कुछ नहीं चाहिए, किताबी ज्ञान में लिखा कुछ और होता है, हमारे पास लिखा कुछ और होता है, ठीक है, तो वो सब भूल जाइए। अभी हम सिर्फ यही बात करेंगे कि यह कौन से मोटर में कितना लगेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने देखा है कि रियल लाइफ में हमारे जो यहाँ है कुछ इस तरह है कि सिंगल फेज मोटर जितनी भी आती हैं उसका किसी भी मोटर का एम्पेयर कोई फिक्सन नहीं होता है। थ्री फेज मोटर में ज़्यादातर फिक्स होता है, लेकिन इसके अंदर फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये मेरे मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जो अनुभव के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने देखा है कि आधा एचपी की मोटर, कुछ मोटर 5 एम्पेयर दे रही है, कुछ मोटर 10 एम्पीयर ले रही है, कुछ मोटर 12 एम्पीयर ले रही है। एक एचपी का भी कुछ उस तरह है, कुछ एक एचपी की मोटर जो है वो 7-8 एम्पीयर पे चल रही है, कुछ एक एचपी की जो मोटर है वो 10-12 एम्पीयर भी चल रही है, कुछ एक एचपी की मोटर 15-16 एम्पीयर पर भी चल रही है। यहाँ पर बात करेंगे अगर हम 1.5 एचपी मोटर की, तो 1.5 एचपी की मोटर भी कुछ मोटर ऐसी हैं कि वो 9-10 एम्पीयर पर चल रही है, कुछ मोटर ऐसी हैं कि वो 12-13-14 एम्पीयर पर चल रही है, कुछ मोटर ऐसी हैं कि वो 20 एम्पीयर भी चल रही है। जैसे कि अगर हम 2 एचपी की मोटर की बात करेंगे तो कुछ मोटर सिर्फ 10-12 एम्पीयर पर चल रही है, और कुछ मोटर 25-25 एम्पीयर पर चल रही है। तो मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि कोई सिंगल फेज मोटर वो एक्चुअली करंट लेता कितना है, यानी कि एम्पेयर एम्पेयर उसका कितना होता है। तो ये प्रॉब्लम हम जब मोटर चेक करने जाएंगे तो होता है, तो उसको जाने दो। इस हिसाब से वहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू भी फिक्स नहीं रहती है। इसको फंडामेंटल ट्रिक बस यही है, सबसे पहले आप कोई भी कितना भी एचपी का मोटर हो, कितने भी गहराई तक हो, हमें उससे कोई लेन देना नहीं है। हम रनिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है
कि उसके उस पैनल बॉक्स के अंदर आपको क्या कर देना है, सबसे पहले 36 mm का जोड़ दो। आधा HP की मोटर हो, मान लो कि 36 mm पर 36 UFD पर कुछ मोटर ऑन हो जाएंगी, कुछ मोटर नहीं हो जाएंगी, ज़्यादातर नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन 50 पर होंगी। आधा HP की मोटर मुझे लगता है ज़्यादातर 50 UFD पर ऑन हो जाएंगी, इसको 50 का कैपेसिटर चलेगा, लेकिन कुछ आधा HP की मोटर है उसको 50 का और एक 36 का लगेगा। तो सुन लीजिए बात कैसे मैच करना है। सबसे पहले आपको 36 का जोड़ देना है, 36 पे नहीं घूम रही है मोटर, फिर आपको 50 पे जोड़ देना है, 50 पर भी नहीं घूम रही है तो एक 50 का और एक 25 का जोड़ दो, कितना हो गया, 75 हो गया। इतने में देख लो घूम रही क्या, अगर इतने में भी नहीं घूम रही है तो एक 50 का और एक 36 का 600 के आसपास कुछ वैल्यू होगी, तो वो जोड़ के देख लो यहाँ पर भी घूमेगी या फिर नहीं घूमेगी। घूमेगी तो अच्छी बात है, नहीं घूमेगी तो छोड़ दो। अगर नहीं घूमेगी तो 50-50 के दो जोड़ दो, यानी कि 100 UFD हुआ। तो कुछ इस तरह आपको मैच कर देना है। अगर इस पर भी नहीं घूमती है तो 50-50 के दो और एक 36 का, इस पर भी नहीं घूम रही है तो 50-50 के दो और एक 50 का 150। तो इस तरह आपको आप कोशिश करना है कि आपको ये कैपेसिटर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 1 HP की मोटर है, अगर मैं इसको ये वाला कैपेसिटर जोड़ देता हूँ 50 का, तो वो मोटर नहीं घूमेगा, मान लेके चलते हैं नहीं घूमेगा। लेकिन जैसे कि मैंने 36 का जोड़ा, यानी कि एक 50 का और एक 36 का, इतना जोड़ा तो मोटर चल रही है अच्छे से, लगभग मान लीजिए कि ये 10 एम्पीयर ले रही है, ये 10 एम्पीयर ले रही है, तो अभी आपकी मोटर तो चल रही है, पानी भी आ रहा है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सही हैं? तो अभी देखिए इसकी पुष्टि करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार 25 का जोड़ना पड़ेगा, यानी कितनी वैल्यू हो गई, 50 की, 36 की और 25 की। तो ये क्या होगा कि मान लीजिए ऐसा करने पर अगर आपके मोटर पहला 10 एम्पीयर ले रही थी दो कैपेसिटर पे, अभी तीन कैपेसिटर जुड़ दे तो झट से एम्पीयर चला गया 14-15 पे, तो समझ लेना वो ज़्यादा जो कैपेसिटर हैं उसके लिए हानिकारक है। फिर आपको क्या करना है कि फिर से आपने एक 50 का जोड़ना है और एक 25 का जोड़ना है, तो हमने फिर से एक बार वैल्यू कम करके भी देखी, बढ़ा के देखी तो एम्पेयर बढ़ रहा है, अगर कम करके देखेंगे फिर क्या होता है, क्योंकि हमें देखा कि एक 50 का और एक 36 का है तो इस पर 10 एम्पेयर ले रही है। अभी हमें ये देखना है कि एक 50 का और एक 25 का अभी कितना एम्पेयर लेता है, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू कम करके देखना है, क्योंकि 50 पे तो चल नहीं रही, तो एक 50 का और एक 25 का। अभी मान लीजिए कि 50 का और 25 का जोड़ने पे मोटर 8 एम्पेयर ले रही है, तो वो कैपेसिटर उसके लिए सही है। हालांकि 10 और मतलब 12 इतने में कुछ होगा नहीं, जैसे कि अगर आप 50 का और 25 का मोटर जोड़े तो अच्छा चल रही है, और वैसे 50 का और 36 का जोड़े तो बस 1-2 एम्पेयर का डिफरेंस आ रहा है, तो उससे भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर आप 50-25 का भी जोड़ सकते हैं या फिर 50-36 का भी जोड़ सकते हैं, तो वो कैपेसिटर वो उसके लिए मैच हो जाएगा। यानी कि मुझे कहने का मतलब बस यही है कि आपको कोशिश करनी है कि कैपेसिटर वैल्यू कम से कम रहे और मोटर का भी एम्पेयर कम से कम रहे। अगर मोटर का एम्पेयर हाई हो रहा है ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ने से, तो वो तो खतरे की निशानी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो अपने आप ही बता देती है कि वो उसको कितना सहन करने की कैपेसिटी है। तो उसकी सहन करने की कैपेसिटी कितनी है वो हम कुछ इस प्रकार जान लेते हैं। टाइमिंग कितना हुआ, बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गया, तो इसीलिए दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे ज़बरदस्त और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।